पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस पूरे मुद्दे ते पहली वारी अपना बयान दिता है। वीडियो दे जरिए आके उन्होंने पंजाब दे लोकां नूं संबोधन किया है। मान ने कहा कि कुछ लोग विदेशी ताकतां दे हत्थे चढ़ के कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे ने, जिन्हां वल्लों पुलिस विरुद्ध भद्दी शब्दावली की वरतों भी की जा रही है। अजिहे शरारती अंसरां नूं पंजाब सरकार बख्शेगी नहीं। मान ने कहा कि अजिही ताकत जो देश विरोधी होवे ते पंजाब दे विच पैर पसार रही होवे उस नूं छड्या नहीं जाएगा, माहौल बिगाड़न वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार की प्रमुखता अमन शांति सिक्ख्या ते सेहत है, जिसते असी पहरा देंगे। आम आदमी पार्टी धर्म निरपक्ष है, धर्म की राजनीति असी नहीं करते। पंजाब की शांति भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी मुख्यमंत्री मान ने दी है। जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब सरकार जिथे दावा कर रही है कि पंजाब पुलिस ने सारी स्थिति नूं बड़ी ही संजीदगी दे नाल नजिठिया है, तो दूसरे पासे विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि जे अमृतपाल सिंह फड़िया ही नहीं गया तो पंजाब पुलिस का ऑपरेशन तो फेल साबित होया है, तो सरकार की वड्डी नाकामयाबी है। जबकि दूसरे पासे पंजाब सरकार के जिहड़े मंत्री ने वो पंजाब पुलिस नूं थापड़े दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं वधाइयां दे रहे हैं। जबकि जथेबंदी जिसनों खालिस्तानी जथेबंदी कहा जा रहा है, वड्डे इल्जाम लाए जा रहे हैं, उसका मुखी हाले तक फड़िया नहीं गया। जे पंजाब पुलिस का दावा सच है तो दूसरे पासे परिवार लगातार दावा कर रहे हैं कि अमृतपाल सिंह पुलिस के कब्जे दे विच है। जे अजिहा है तो पुलिस ते सरकार इसनूं लुकाओ कह रही है कि सरकार किसी सही मौके का इंतजार कर रही है। परिवार कह रहा है कि वह मौका किहड़ा है जिस मौके पंजाब जिहड़ी पुलिस है वह उन्हां दे पुत बारे सच दसेगी। इस दरम्यान यह भी याद करना पड़ेगा कि सिद्धू मूसेवाले के पिता भी कह चुके हैं कि साजिश के तहत सरकार ने एक दिन पहला अमृतपाल सिंह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया ताकि सिद्धू मूसेवाले की बरसी विच लोग ना पहुंच सकन, ते सरकार जिहड़ी है ध्यान लोगों का दूसरे पासे डायवर्ट कर देवे। इन्हां सारे सवालों ते मुख्यमंत्री मान खामोश रहे, पर इस दौरान पंजाब का माहौल जिहड़ा तनावपूर्ण बनिया होया वह भी एक वड्डा सवाल है। तनावपूर्ण इस करके क्योंकि पंजाब के वासी ने जदों अपने जिले तो दूसरे जिले दे विच जाना है जां फिर पंजाब तो बाहर किते जाना है तो पूछा जा रहा है फोन करके एक दूसरे नूं कि किते नाकेबंदी तो नहीं, कि किते चैकिंग तो नहीं की जा रही, पुलिस परेशान तो नहीं कर रही, किते जाण तो रोकिया तो नहीं जा रहा। इस तरह के सवाल हर किसी के मन दे विच ने, थोड़ी जी दहशत दे विच लोग जरूर ने। इंटरनेट की पाबंदी 3 दिन रही है, 6 जिलों के हाले भी इंटरनेट बैन है, तो दूसरा जिहड़ा हैगा एक रोजाना इस तरह दी जिहड़ी खबरां आ रही ने टीवी के जरिए लोगों को खबरां मिल रही ने, उन्होंने देख के लोग दहशत दे विच जरूर ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी चल रहे सारे घटनाक्रम दरम्यान अपनी पार्टी की सरकार की जम के तारीफ की है। केजरीवाल ने कहा कि सूबा सरकार पंजाब दे विच अपराधिक गतिविधियां नजिठण के लिए सख्त कदम चुकन तो नहीं डरती। कहते जो असं पंजाब दे विच सत्ता में आए तो लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सिक्ख्या सेहत और बिजली के खेतरां दे विच काम कर सकती है, कानून व्यवस्था नूं सामना मुश्किल होगा, पर सानू पिछलियां सरकारां तों विरासत विच जो मिलिया उस तों लगदा है कि अपराधियां नूं सियासी सरप्रस्ती हासिल सी, पर साडी सरकार इमानदार है, असीं अजिहे अंसरां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करदे हां। सो पार्टी दे कौमी कन्वीनर ने भी पंजाब दे विच अपनी पार्टी दी सरकार दी रज के तारीफ कीती है। पंजाब दे विच वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह नूं लै के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस ते श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा मुड़ तों बयान सामने आया है। जथेदार ने चिंता जाहिर करदे हुए सूबा ते केंद्र सरकार नूं वड्डी चेतावनी दिंदे कहा है कि पंजाब अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पंजाब का जो संतुलन है वह बिगाड़न की कोशिश की जा रही है, सब कुछ खराब करने की कोशिश की जा रही है। जथेदार ने बिना भाई अमृतपाल सिंह का नाम लए सरकार को हदायतें दीं कि सिखां की गल सुने, उनकी परेशानी पर चर्चा करे, नहीं तो माहौल होर खराब होगा। उन्होंने नौजवानों की लगातार हो रही गिरफ्तारी से भी चिंता जाहिर की है, इंटरनेट बंद करने का भी जथेदार ने विरोध जताया है। तो इशारे ही इशारे जथेदार साहब ने कहा कि सूबा सरकार काफी कुछ लुको रही है।
सूबा सरकार नूं सारे मामले ते स्थिति स्पष्ट करनी चाहीदी है कि आखिर पंजाब दे विच की हो रहा है। पंजाब नूं स्टेबल करन दी कहिंदे जरूरत है क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। जे पंजाब नूं स्टेबल करना है, स्थिर करना है तो सिखां नाल गल करनी ही पवेगी। सिखां दे मसलियां नूं हल करना होवेगा। इस तरह के दहशत दे माहौल सिरज के ना पंजाब शांत रहेगा ना ही भारत शांत रहेगा। जथेदार ने 16 ते 17 सालां दे जिहड़े नौजवानां नूं हिरासत विच लिया जा रहा है उन्हां दी रिहाई दी तुरंत मंग कीती है। सरकारी तंत्र जिहड़ा है कितने ना कितने बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनेट बंद किया हुआ है जिदे नाल कई किस्म दियां जिहड़ियां अफवाहां जिहड़ियां ने जां चर्चावां जिहड़ियां ने उह लोकां दे अंदर कर कर रही हैं, जानकारी किसी नूं मिल नहीं रही है। पंजाब नूं अनस्टेबल करन दा यतन हो रहा है। सिख नौजवान साडी जानकारी दे विच आया है कि 16-17 साल के भी जिहड़े आ नाजायज हिरासत दे विच लए जा रहे हैं। पंजाब नूं स्टेबल करना बहुत जरूरी है, बॉर्डर स्टेट है ते जे पंजाब नूं स्टेबल करना है ते सिखां दे नाल बैठ के गलबात करनी होएगी, सिखां दे मसलियां नूं हल करना होएगा। इस किस्म की दहशत क्रिएट करके ना पंजाब शांत रह सकता है और ना ही भारत शांत रह सकता है। इस मामले दे नाल जुड़ी एक होर अपडेट थानू दस दिंदे आ कि वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दे चाचा हरजीत सिंह नूं मंगलवार सवेरे असाम दे डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया है। सीनियर अधिकारियों ने दस्सिया कि हरजीत सिंह नूं गुवाहाटी तों सड़की राह राहीं डिब्रूगढ़ जेल लिया गया। इस दौरान असाम पुलिस ने दस्सिया कि अमृतपाल सिंह दे 3 होर साथियों नूं भी डिब्रूगढ़ जेल लिया गया है। उस तों पहलां 4 जने लिजाए गए, उस तों बाद 5वें हरजीत दे चाचा ते 3 जणां दे होर उत्थे लिजाए जाण दी जानकारी मिली है। इस सारे मसले दरमियान जिथे पंजाब सरकार पुलिस दी रज के शलाघा कर रही है, अपनी भी पिट थापड़ रही है, उथे विरोधी ने जिहड़े ओह पंजाब सरकार नूं घेर रहे ने। पुलात तों कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने अमन कानून दी स्थिति ते मुड़ पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं घेरदिआं कहा कि आउण वाली 23 तरीक तक यानी कि 23 मार्च तक इंटरनेट बंद रख के पंजाब नूं दुनिया तों दूर क्यों किया जा रहा है, सिखां नूं राष्ट्र विरोधी क्यों कहा जा रहा है, जदकि लॉरेंस बिश्नोई वर्गे गैंगस्टरां नूं अपना राष्ट्रवादी अक्स बनाउण दे लई जेल चों इंटरव्यू दी इजाजत दे दित्ती जांदी है। की इह उस भाईचारे दे नाल सही हो रहा है जिसने सब तों वध अगे हो के आजादी की लड़ाई लड़ी है। खहरा ने मुख्यमंत्री मान नूं संबोधित हुंदिआं कहा कि हुण मुख्यमंत्री किधर लुक गए ने। आम तौर ते कहिंदे मामूली मुद्दिआं ते वी लाइव हुंदे दिखाई दिंदे ने, पर हुण जदों पंजाब दे विच पुलिसिया राज लागू हो गया तां हाले वी इक मूक दर्शक बणे क्यों बैठे ने। स्पष्ट करना चाहिंदे मुख्यमंत्री नूं कि पंजाब कौण चला रिहा है। खास तौर ते गृह विभाग नूं स्पष्ट करना चाहिंदा है क्योंकि गृह विभाग इस मुद्दे ते बिल्कुल चुप है। खहरा ने मुख्यमंत्री पंजाब दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात ते वी सवाल खड़े कीते ते कहा कि की इह जिहड़ी मुलाकात है इसे रणनीति दा हिस्सा सी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस तो बाद लोगों संबोधन होंदिया इस मुद्दे ते अपना पक्ष रख्या है ते खहरा दा ट्वीट उस तो पहला दा सी।